नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। मंत्रिपरिषद की बैठक के समाप्ति के उपरांत बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है आज कैबिनेट सचिवालय विभाग से, जो है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विभाग ने जो है कि इसका अध्यादेश जारी कर दिया है और जो है सब कुछ उपलब्ध है। आपको बताते चले कि कुल जो है कि 20 एजेंडों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज मुहर लगाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है पंचायती राज विभाग का। जी हाँ, पंचायती राज विभाग का जो है कि वह महत्वपूर्ण एजेंडा क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करते हुए बिहार के जितने भी मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, पंच और वार्ड सदस्य हैं और उप मुखिया हैं, तमाम तरह के पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको जो है कि एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। बिहार सरकार ने सबसे पहला काम किया है कि जब भी इनको वेतन दी जाती थी या इनको जो भाता मिलता है वह मिलता था, तो उसके लिए सरकार अलग से अनुदान जारी करती थी। लेकिन अब उस चीज़ को समाप्त करते हुए सष्टम राज वित्त आयोग में उसे समाहित कर दिया गया है। अब पंचायती राज विभाग के सभी जनप्रतिनिधि, जिनमें मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच और तमाम तरह के लोग जो जीत कर आते हैं शामिल हैं, उन लोगों को जो है कि अब सष्टम वित्त आयोग के राशि से ही उनको भाता मिलेगा और यह भाता जो है कि बढ़कर मिलेगा 1/4/2024 के प्रभाव से, यानी कि आगामी जो है कि 1/4/2024 से जो है कि यह प्रभावी हो जाएगा। और इसकी जो है कि अलग से पंचायती राज विभाग जो है कि कितना निर्धारित करती है बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, वैसे तो कहा गया है कि 2 गुने से अधिक जो है कि वेतन वृद्धि किया जाएगा। तो यह जो है कि पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ोतरी हो चुका है और साथ ही इसी क्रम में जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो है कि वेतन वृद्धि भी अगले कैबिनेट में होने की संभावना है। तो विशेष कुछ है नहीं आज जो है कि इसको छोड़कर पंचायती राज विभाग के जो है कि, और एक चीज और बताते चले, माफ कीजिएगा, समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को दे भाता 1450, 1450 एवं 725 रुपये में दिनांक 1/4/2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए 2500, 2500 एवं 1750 रुपये निर्धारित करने तथा इस पर प्रति वर्ष 286,37,24,000 रुपये मात्र की जो है कि अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति की गई है। यहाँ साथ ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी सरकार ने जो है कि तोहफा दिया है, जिसमें जो है कि बताया जा रहा है कि समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को दे राज्य भाता क्रमशः 1450, 1450 एवं 725 रुपये में दिनांक 1/4/2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए 2500, यानी कि 1400 के जगह पर 2500 रुपये जो है कि राज्य सरकार देगी और जो है कि 2500 एवं 1750, 1750 रुपये निर्धारित करेगी, यानी कि जो है कि 725 के जगह पर 1750 एवं जो है कि 1450 के जगह पर 2500 रुपये, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी सरकार ने जो है कि यहाँ बड़ा तोहफा दिया है और जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो है कि सरकार ने और पंचायत राज प्रतिनिधियों को अपने द्वारा किए गए वादे के मुताबिक जो है कि पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधियों को वेतन वृद्धि किया है और साथ ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो है कि भाता में जो है कि वृद्धि की गई है। पहले उनको 1450 रुपये जो है कि राज्य सरकार देती थी, जिसको बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है और 725 के जगह पर 1725 यानी कि 1000 रुपये जो है कि बढ़ाए हैं। तो यह जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ साथ पंचायत राज प्रतिनिधियों के लिए जो है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, उनको जो है कि वेतन और भाता में जो है कि सरकार ने वृद्धि किया है और यह भाता आपको बताते चले कि 1/4/2024 के प्रभाव से मान्य होगा और 1/4/2024 के प्रभाव से ही बिहार के पंचायत प्रतिनिधि
एवं जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो है कि हम आपको बताते चलेंगे कि बाकी के जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं उन लोगों के लिए भी अब मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आगामी आने वाले समय में उन लोगों को भी जो है कि वेतन वृद्धि का लाभ सरकार ऐसे ही देगी, इसलिए इसमें जो है कि धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। इसमें जो है नकारात्मक सोच लाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर आपको हम बताते चले कि समाज कल्याण विभाग के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकार ने जो है कि भत्ता बढ़ाया है, जिसमें जो है कि पंचायती राज विभाग के तहत आने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को और समाज कल्याण विभाग के तहत आने वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो है कि सेविका सहायिका को 1450 के जगह जो है कि 2500 रुपये और जो है कि 725 के जगह 1750 रुपये, यानी कि 1750 रुपये निर्धारित किया गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और बिहार के पंचायत राज प्रतिनिधियों से बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है कि अलग अलग ये करने मार्ग में जो है कि मुलाकात की थी और इन्हें आश्वासन दिया था कि आप लोगों को जो है कि सम्मानजनक वेतन वृद्धि की जाएगी और उसी को जो है कि आज कैबिनेट में मूर्त रूप दिया गया है। लेकिन जो है कि यह 1/4/2024 से प्रभावी होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।